नमस्कार बालकों, आज की जो ऑनलाइन कक्षा है इसमें आप सभी छात्रों को चरित्र के संबंध में मेरे के मोटिवेशन स्पीच है। मैं कहना चाहता हूं कि बिना चरित्र के इस दुनिया में व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं होता है, और शिक्षा अगर आपको चरित्र से नहीं जोड़ती है तो शिक्षा भी मूल्यहीन है। शिक्षा वही है जो हमें अज्ञान से मुक्ति दिलाए, और अगर शिक्षा के साथ साथ में अगर अपने चरित्र की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, चरित्रहीन होते जाते हैं, तो शिक्षा का कोई महत्व नहीं होता है। आज बहुत सारे माता पिता है, अभिभावक है, जो रोजी रोटी के लिए एक बार रहते हैं, बच्चे पास में नहीं रहते हैं, और बच्चे उनकी इस कमी का फायदा उठा करके अपने चरित्र को बिगाड़ लेते हैं। तो छात्रों, दुनिया में चरित्र है तो ही व्यक्ति जिंदा है, बिना चरित्र के व्यक्ति जीवित नहीं है। चरित्र अच्छा है तो सभी उसकी प्रशंसा करते हैं। चरित्र क्या है? आंतरिक मूल्य जो व्यक्ति में समाहित होते हैं, वो आंतरिक मूल्य ही व्यक्ति को चरित्रवान बनाते हैं। और जो छात्र इन आंतरिक मूल्यों का सही उपयोग नहीं करता है, आंतरिक वृत्तियों को सही यूज में नहीं लेता है, उस छात्र का पतन हो जाता है, उसके करेक्टर का पतन हो जाता है। पर्सनलिटी एक शब्द होता है जिसका अर्थ होता है व्यक्तित्व, और व्यक्तित्व चरित्र से जुड़ा हुआ होता है। चरित्र श्रेष्ठ है तो पर्सनलिटी भी श्रेष्ठ है। पर्सनलिटी और चरित्र दोनों एक ही कह सकते हैं हम। और अंग्रेज विद्वानों ने कहा है, एक अंग्रेजी के विद्वान के उन्होंने भी कहा है कि इफ वेल्थ इज गोन नथिंग इज गोन, अर्थात यदि हमने धन खोया तो कुछ भी नहीं खोया। इफ हेल्थ इज गोन समथिंग इज गोन, अगर हमने स्वास्थ्य खोया तो कुछ खोया, परंतु इफ करेक्टर इज गॉन एवरीथिंग इज गॉन, अगर हमने अपना चरित्र खो दिया है तो सब कुछ खो दिया है। मेरी इस बात को ध्यान में रखना, आदमी अगर अपना चरित्र खो देता है तो सब कुछ खो देता है। चरित्र अगर उसका जिंदा है तो सारी चीजें स्वास्थ्य धन शिक्षा सबको वापस ला सकता है। तो आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि सभी छात्र चरित्रवान बने, और जो समाज में दूषित वृत्तियां चल रही है, पर्यावरण दूषित होता जा रहा है, बच्चे पढ़ाई के नाम पे घर से आ जाते हैं, रास्ते में आवारा खर्ची करते रहते हैं, धूम्रपान करते रहते हैं, नशे वगैरह करते रहते हैं, इनसे आपका चरित्र खराब हो जाएगा। ये शुरू शुरू में सुख देने वाले होते हैं, लेकिन इनका अंत बुरा होता है। और फिर वही कहावत आपके लिए लागू होगी कि करेक्ट इज गॉन चरित्र नष्ट हो गया, एवरीथिंग इज गॉन, सब कुछ चला गया है, सब कुछ चला गया है, चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया है, लोग आपको सम्मान नहीं देंगे। तो इसलिए प्यारे बालक, आप सभी से मेरा यही निवेदन है, आग्रह है कि आप विद्यालय आते हैं, कोरोना काल के कारण वाहन सुविधाएं नहीं है तो आप बाजार में घूमते रहते हो और कई प्रकार के अवगुण अपना लेते हो, इन सबसे आप दूर रहे क्योंकि ये आपके चरित्र को नष्ट कर सकते हैं, और पता ही नहीं लगता है बुरा ही है। धीरे धीरे आदमी प्रवेश करते हैं और कब वो एक बड़ा महाबुराई बन जाते हैं उसका पता नहीं लगता है। इसलिए आप इन छोटी छोटी बुराइयों से बचे और अपने करेक्टर का पूरा ध्यान रखें, चरित्र का पूरा ध्यान रखें, और बिना चरित्र के है ना कुछ भी नहीं होने वाला है। इसलिए पुनः मैं कहता हूं कि सभी अपने अपने चरित्र
पहन आचना ले। चरित्र को बनाने में है ना कई वर्ष लग जाते हैं, लेकिन चरित्र को नष्ट करने के लिए एक पल काफी होता है। इसलिए अपने चरित्र का ध्यान रखें, चरित्र इज इंपॉर्टेंट, चरित्र महत्वपूर्ण होता है। चरित्र से ही हम इस देश को कुछ दे सकते हैं, समाज को कुछ दे सकते हैं, राष्ट्र को कुछ दे सकते हैं, परिवार को कुछ दे सकते हैं। अगर चरित्र सही नहीं है तो हम किसी को कुछ नहीं दे सकते हैं, किसी को प्रभावित भी नहीं कर सकते हैं, किसी को मोटिवेट भी नहीं कर सकते हैं। पहले हम चरित्रवान बने और फिर दूसरों को चरित्रवान बनाए, यही मेरा संदेश है इस वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद।